गुड मॉर्निंग एवरीवन. हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. थ्री मेन कंपोनेंट्स आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, लेकिन इससे पहले हम फोर जो मेन कंपोनेंट्स है वो डिस्कस कर चुके हैं. या कंपोनेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, कंपोनेंट्स का मतलब कि जब हमने फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन की थी तो हमने वहाँ कहा था कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेशन है फोर डिफरेंट सब पार्ट्स का, सब सिस्टम्स का, जिसे हम कहते थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल सर्विसेज. लेकिन आपकी बुक में जो डिस्कस किए गए हैं या जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ तीन कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं. वो हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, या जिसे हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या एसेट्स भी कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट्स. इसको फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटीज एंड सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज. देन फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को यहाँ पर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज्ड को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये जो टॉपिक है इसमें ये जो हम तीन सब कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं इनको हम डिटेल में करेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा कॉम्पोनेंट है दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, या जिसे हम फाइनेंशियल एसेट्स भी कहते हैं. सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल एसेट किसे कहते हैं. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है, एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब होता है किसी चीज़ की ऑनरशिप आपके पास है, उसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हो कि ये आपकी चीज़ है, और जो भी उससे रिटर्न आपको मिलेगा उसके ऊपर आप अपना क्लेम दे सकते हैं, तो उसी को हम एसेट कहते हैं. तो सेम तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं इन्वेस्टर का फाइनेंशियल क्लेम इशुअर को, मतलब जो पर्सन जिसने इशू किया है इंस्ट्रूमेंट और वो पर्सन जिसने उसको परचेज किया है, वो जो इश्यूअर है उसको क्लेम कर सकता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेरा है, मैं इसका ऑनर हूँ और इसके ऊपर जो भी रिटर्न आपका बनता है मैं वो क्लेम कर सकता हूँ कि ये रिटर्न आपने मुझे देना है. तो जो इश्यूअर है फंड्स रेज करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके, तो इसी को हम फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज कहते हैं. ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती हैं और डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी हो सकती है. फिजिकल फॉर्म में मतलब आपके पास पेपर फॉर्म में होगा, और डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होने का मतलब है कि ये आपके पास वर्चुअल फॉर्म में होगी. वर्चुअल फॉर्म में इन द सेंस कि आपके पास अकाउंट खोला हो सकता है कोई, जैसे आपका डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट है उसमें आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी आपने शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदी हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट हो जाती हैं. वहाँ पे आपके पास पेपर फॉर्म में कुछ नहीं होता, तो जो चीज़ नॉन पेपर फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, उसे हम डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म कहते हैं. तो इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएबल भी हो सकते हैं और नॉन नेगोशिएबल भी हो सकते हैं. नेगोशिएबल का मतलब कि आप आपस में बात कर सकते हैं कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप उन्हें परचेज और सेल करेंगे, जबकि नॉन नेगोशिएबल में वो चीज़ नहीं होती, वहाँ पे स्टैंडर्ड चीज़ होती है. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, फर्स्ट है आपका प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटीज एंड सेकेंड इज योर सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज. प्राइमरी सिक्योरिटीज का क्या मतलब है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, या डायरेक्ट यहाँ पे जैसे टर्म यूज हो रही है, डायरेक्ट का मतलब कि जो पर्सन है उससे आप डायरेक्ट डील कर रहे हो, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं है. डायरेक्ट सिक्योरिटीज या प्राइमरी सिक्योरिटीज हम उन सिक्योरिटीज को कहते हैं जहाँ पे जो सिक्योरिटीज क्रिएट की जा रही हैं वो फाइनल यूजर जो है फंड्स का वही उसे इशू कर रहा है. सपोज एग्जांपल हम लेते हैं इसका, एक कंपनी है, कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है, तो कंपनी सीधा अब अगर अपने शेयर्स जो है वो इशू कर रही है और जो पर्सन है वो उसको सब्सक्राइब कर रहा है, तो वो पैसा जब उसने पर्सन ने सब्सक्राइब किया शेयर्स को, तो वो जो पैसा है अल्टीमेटली शेयर के लिए जो पे किया गया वो अल्टीमेटली गया किसके पास, उस पर्सन के पास जो उस पैसे को यूज करेगा, जो फाइनल यूजर है उस फंड का, तो उसे हम प्राइमरी और डायरेक्ट एसेट
कहते हैं, जहां पर जो फाइनेंशियल क्लेम है इन्वेस्टर वो अगेंस्ट द रियल सेक्टर लगाते हैं। रियल सेक्टर का मतलब है बोरोअर जो है, जो फाइनली उस फंड्स को यूज करेगा, तो उसे हम रियल सेक्टर यहाँ पे कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, कमर्शियल पेपर्स सेक्टर जो है इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। सिंपल सी टर्म्स में अगर हम कहें तो दो सिक्योरिटीज को हम प्राइमरी सिक्योरिटीज कहेंगे, जो इशू डायरेक्टली जो एक्चुअल यूजर है फंड्स का वो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज। यहाँ पे बीच में जो पार्टी है, मतलब जो सेवर है और जो इन्वेस्टर है, मतलब जो सिक्योरिटी को खरीद रहा है और जो सिक्योरिटी को बेच रहा है, उनके बीच में जो है इंटरमीडियरी इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब कि जो पैसा है वो जो पर्सन जिसको जो अल्टीमेटली उस पैसे को यूज करेगा उस तक पहुंचने में बीच में एक पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल दें कि अगर जो पर्सन है, जो सेवर है, उसने पैसा अपना जमा करवाया है बैंक के पास और बैंक ने फर्दर उस पैसे को आगे जो इन्वेस्टर है उसको लोन की फॉर्म में दे दिया, तो जो यहाँ पे सिक्योरिटीज आपकी इन्वॉल्व होंगी उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सिक्योरिटीज। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा जनरेट हो सकता है, जब आपने पैसा बैंक के पास जमा करवाया तो वो जमा आपने टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में करवाया, तो वो जो टर्म डिपॉजिट के लिए आपको रिसिप्ट मिलती है, जो आपकी FD RD आप करवा रहे हो और उसके लिए जो आपको रिसिप्ट मिल रही है, दैट इज योर सेकेंडरी या इनडायरेक्ट सिक्योरिटी। क्योंकि पैसे जब बैंक ने कलेक्ट किया पैसा, FDs का जो पैसा था, उसने उस FDs के पैसे को आगे लोन की फॉर्म में जो इन्वेस्टर है उसको लेंड कर दिया, तो यहाँ पे जो वो फिक्स डिपॉजिट या जो रिकरिंग डिपॉजिट की रिसिप्ट आपको मिली, जिसे हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं, उसकी जो रिसिप्ट आपको मिली उसे हम सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज कहते हैं। तो ये जो सिक्योरिटीज है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जैसे बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, वो इशू करती है। जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होती है वो रेज करती है फंड्स पब्लिक से और बाद में वो उस फंड्स को आगे जाके जो एक्चुअल यूजर है फंड्स को उसको लेंड करती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एक्ट करती है एज अ मिडल मैन बिटवीन इन्वेस्टर एंड द एक्चुअल यूजर ऑफ द फंड। तो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटीज अभी हमने की, उन्हीं में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है दैट इज शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं, जो पूरी कैपिटल होती है कंपनी की, कैपिटल को जब आप छोट कर देते हो, शॉर्ट इन द सेंस कि उसे स्मॉल डिनोमिनेशन में आप डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक ईच यूनिट को हम शेयर कहते हैं। तो जब कैपिटल ऑफ द कंपनी को आप डिवाइड करते हो सेवरल पार्ट्स में और उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, तो उस ईच पार्ट को शेयर कहा जाता है। और जो शेयर्स को होल्ड करते हैं, मतलब जिसने जो शेयर्स खरीदते हैं, उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। दो टाइप्स के शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, वो शेयर्स जिन्हें प्रेफरेंस मिलती है ओवर दी इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनके ऊपर दो बेसिकली प्रेफरेंसेस उन्हें मिलती है, एक कि जो पेमेंट होगा डिविडेंड का आउट ऑफ प्रॉफिट वो उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलेगा, दूसरी जब जो लिक्विडेशन होगा कंपनी का तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनकी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले वापस की जाएगी। तो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास राइट नहीं होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, और सारे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं विद इन 20 ईयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग एक्सेट्रा। देन आता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स या जिसे हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। जो उनकी कैपिटल होती है वही एक्चुअल में कंपनी की रिस्क कैपिटल होती है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट में, डे टू डे मैनेजमेंट में, और जो भी कंपनी इनकम कमाती है या जो भी कंपनी की एसेट्स होती हैं, रेसिडुअल क्लेम्स जो होता है इनकम और एसेट्स पे कंपनी के, वो इन शेयर होल्डर्स का होता है। रेसिडुअल का मतलब है कि जब बाकी सबको पे हो जाएगा तो जो बचेगा वो सारा का सारा
इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। जो रेट होता है डिविडेंड का इक्विटी शेयर्स के ऊपर वो प्री डिटरमाइंड, वो जो डिटरमाइंड होता, प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, वो जो जब प्रॉफिट्स बचा है तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स को देना भी है या नहीं है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड देते हो, नॉर्मली उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब भी डिविडेंड मिलता है तो उससे ज़्यादा नॉर्मली मिलता है। तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि इन्हें डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देगी। देन है नेक्स्ट जो हमारा सिक्योरिटी है, दैट इज़ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर एक तरीके से टाइप है लोन का, जहाँ पे जो कंपनी है वो लोन ले रही है पब्लिक से और उसकी एक्नॉलेजमेंट जब वो आपको रिटर्न में देती है तो उसे ही डिबेंचर कहा जाता है। तो जो डिबेंचर है इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट विच इज़ टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है स्पेसिफाइड रेट से, जो भी फेस वैल्यू होती है डिबेंचर्स की उसके ऊपर। जो डिबेंचर्स हैं वो सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर भी हो सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं, बेयरर हो सकते हैं, रेडीमेबल हो सकते हैं, इररेडीमेबल हो सकते हैं, कन्वर्टेबल हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल हो सकते हैं, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स हो सकते हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। सिक्योर डिबेंचर, सबसे पहले सिक्योर डिबेंचर्स कौन से होते हैं? वो डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर एसेट्स ऑफ द कंपनी से, उसे हम कहते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कि अगर वो किसी पर्टिकुलर एसेट से सिक्योर्ड हैं तो उसे फिक्स्ड चार्ज कहा जाएगा, और अगर वो पूरी कंपनी की सभी एसेट से सिक्योर्ड हैं तो उन्हें फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है। इंडिया में डिबेंचर्स को सिक्योर्ड होना नेसेसरी है। देन अनसिक्योर डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। जो इन डिबेंचर होल्डर्स के जो ऑनर्स होते हैं उन्हें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स माना जाएगा एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका जो नाम है आपकी कंपनी में के रजिस्टर में रिकॉर्डेड है, नेम और एड्रेस की किसको ये डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। जबकि जो बियरर डिबेंचर्स होते हैं वो डिबेंचर होते हैं जो पेबल होते हैं बियरर या होल्डर ऑफ द डिबेंचर को, मतलब जो भी वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट करेगा उसी को जो भी डिबेंचर का अमाउंट है वो दिया जाएगा। जो बियरर डिबेंचर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मेयर डिलीवरी से आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो। कंपनी उनका रिकॉर्ड डिबेंचर होल्डर्स का नेम और एड्रेस का रिकॉर्ड बियरर डिबेंचर होल्डर्स का नहीं रखती है। देन आते हैं रेडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररेडीमेबल डिबेंचर्स। रेडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो कंपनी रीपे करती है एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड या इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जबकि इररेडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिन्हें कंपनी रीपे नहीं करती ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये जो डिबेंचर्स होते हैं वो रीपेबल सिर्फ एट द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी होते हैं, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी होते हैं। देन आते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सके किसी दूसरी सिक्योरिटीज में, जैसे इक्विटी शेयर्स में। जबकि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं डिबेंचर्स को इक्विटी में आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। देन आता है जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स। कंपनी इन डिबेंचर्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है। जो कम इन्वेस्टर है उसे कंपनसेट किया जाता है इंटरेस्ट के लॉस के लिए। कैसे? उन्हें ऑप्शन देके कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में एट अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।